हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत ना कुछ ठीक ठाक नहीं होने वाली है। अभी मैं हूँ यहाँ पर बरसाती नहर पे, वर्सोप लाइन पे हूँ। तो यहाँ पर ना कल नगर निगम ने यहाँ पर इनका जो भी दुकान है ना सारा कुछ तोड़ दी गई है। तो वो सब कुछ जानेंगे कैसा हुआ, क्या हुआ, कौन सा एरिया में है और क्या है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और कितना दुकानें तोड़ी हैं, क्या क्या नुकसान है, वो भी देखेंगे यहाँ पर। तो अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। आप बताइए क्या सही हुआ या गलत हुआ। तो चलते हैं वीडियो की ओर, ज़्यादा देर नहीं करते। तो ये यहाँ पर वर्सोप लाइन ना चालू हो जाती है। ये है तिकोनिया का चौराहा, सामने जो दिख रहा है ना ये तिकोनिया का चौराहा है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ना जस्ट मतलब 8-10 कदम दूर पे यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है आप देख सकते हैं। और ये साइड को ना एक पार्क है, छोटा सा पार्क है यहाँ शौचालय। तो यहीं पर ना एक दुकानें तो क्या कह सकते हैं, ठेले टाइप के बने हुए थे, खाली खोपचे टाइप के बने थे, बहुत पीछे बने थे। ये रोड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोड है, फिर उसके बाद इतना फुटपाथ आ जाता है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा फुटपाथ है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ तक है। उसके बाद ये नहर आ जाती है, यहाँ पर देख रहे हैं ये नहर का एरिया है। तो नहर में ना पहले से पार्टीशन था, यहाँ पर पहले से यहाँ पर लेंटर डला हुआ था। तो यहाँ पर ये लोग ना अपना रोजी रोटी करते थे। तो यहाँ पर छोटा सा खोपचा था, पीछे साइड को खोपचा था और थोड़ा बहुत यहाँ को काम करते थे ये लोग। तो इनका कल कितनी बार टूट गया है, कल एक बार फिर से यहाँ पर जेसीबी चलाई है नगर निगम ने। और यहाँ पर ये काउंटर भी दे सकते हैं आप, कुछ इस तरह से तोड़ दिया है। आधा सामान तो भर के ले गए हैं और कुछ तोड़ फोड़ करके रखा हुआ है, दे सकते हैं। इनका 5-6 दुकानें थी यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी से दुकान तो क्या खाली खोपचा टाइप का था, और वहीं पर ही अपना रोजी रोटी चलाते थे, अपनी मजदूरी करते थे, काम करते थे। तो यहाँ पर ना कल नगर निगम ने तोड़ दिया है यहाँ पर 4-5। कितनी दुकानें थी सर यहाँ पर? 7 दुकान। तो उन्होंने पहले नोटिस वगैरह दिया नहीं आपको? दुकान तो क्या थी आपका, खाली खोपचा टाइप का था, एक ठिया टाइप का ना। अच्छा, खाली खोखा टाइप का था। कितना पीछे था खोखा, यहाँ से था? कहाँ से था यहाँ, कहाँ से था? अच्छा, छोटा सा एक था, मतलब खाली सामान वहाँ रखने के लिए। अच्छा अच्छा, तो सामान कल जैसे आप तोड़ने के लिए आए हो तो उन्होंने बोला नहीं कि सामान हटाओ नहीं तो हम ले जाएंगे? सामान बचाया, बाकी सब निगम में चला गया। पूरा तोड़ दिया आपने? तो आप कुछ कार्रवाई नहीं करे, आपने कुछ बोला नहीं उनको, मतलब जाके अपील वगैरह नहीं करी? सब कुछ कुछ बोला नहीं उन्होंने सरकार का, कोई नहीं दिखता मेरे को। अच्छा अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं हुआ, सामान उठाने दिया नहीं, और थोड़ा बहुत जो सामान था उनका ही। और अच्छा, कबाड़ में भेज डाला सब? क्या करें, कबाड़ में बेचने काम नहीं है तो क्या करें, कबाड़ में भेज। अच्छा देखो गाइस, कुछ इस तरह से काम करते हैं। और नगर निगम ने यहाँ पर ना जेसीबी चला दी और इन्होंने जो भी सामान था ना कबाड़ में बेचना पड़ा। आपका कौन सा था दुकान? अच्छा यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा सामान ही है, ये इतना ही बचा है, अब बाकी तो सब तोड़ फोड़ हो गया। बक्से के अंदर थोड़ा बहुत ले गए ये, और इतना ही बचा हुआ। तो कितने बजे आए कल वो? 4 बजे। 4 बजे जैसे वहाँ से आए या नीचे से आए? यहाँ से ऊपर। तो आपको बोला नहीं कि भैया सामान हटाओ? नहीं, मिल पाया। अच्छा, तुरंत आए और ये कर दिया? तो उनको बोला नहीं कि भैया हम सामान हटा रहे हैं, फिर हटा दो? मशीनें चलाना चालू कर दी। अच्छा, तो आगे को अभी क्या क्या है आपका, यहाँ कह रहे हैं कि चलान होगा या फिर आपका ये होगा, तो आप यहीं पर कहाँ क्या करोगे, क्या करें, आप कहाँ पर करें? अच्छा अच्छा, तो अभी दोबारा से फिर ठिया बनाओगे या फिर ऐसे ही काम करोगे? ऐसे करेंगे, अब क्या करें, बना के बना रहे, तोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो आपको नुकसान हो जा रहा है ना, कितने का नुकसान हो गया होगा आपको? अच्छा खासा हो गया, 20-25 हज़ार रुपये का। अच्छा, कितनी बार टूट गई ये दुकानें, ये आपकी कितनी बार टूटी, ये पहली बार था या इससे पहले भी आपकी टूटी? एक बार और टूटी थी पहले। एक बार पहले टूटी थी, तो आपने उस समय फिर ज़्यादा बड़ा बनाया क्यों, फिर छोटा मोटा? छोटा था उस समय, छोटा था, 4x5 का बढ़ता था, छोटा सा, मतलब हमारे वेंडर जोन कार्ड में लिख रखा है कि आप इतना बना, मतलब इतना बड़ा कर सकते हो। अच्छा, आपके पास वेंडर जोन कार्ड होने के बाद भी दुकान थोड़ी गई आपकी, मतलब उन्होंने वेंडर जोन देने के बाद भी ऐसा करा? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो गाइस देखिए, ये कह रहे हैं कि वेंडर जोन था, कार्ड भी था इनका छोटा सा, उसके बाद भी ना इनकी दुकान काफ़ी पीछे तक थी। यहाँ से देखिए रोड है, फिर कितना फुटपाथ है, फिर इतनी जगह पीछे से छोटा सा कारोबार करते थे, ऐसी रोजी रोटी चलाते थे। कितने साल से कर रहे हो सर आप काम? 20-25 साल। ये देखिए इनका देख सकते हैं, एड्रेस तो मैं दिखाऊँगा नहीं, इनका कार्ड भी है, ये दिखा रहे हैं भैया। तो किस इस तरह से इनका कार्ड भी है, फिर भी आपको जगह दिया गया था यहाँ पर? वेंडिंग जोन है, ये वेंडिंग जोन एरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो उनका कहना था कि मतलब रोड पे काम ना करें, तो आपका तो पीछे तोड़ दिया, तो ये तो गलत हुआ ना, रोड पे पीछे काम। तो कितने साल से करते थे आप काम यहाँ? 35 साल से करता। इससे पहले भी कभी हुआ ऐसा? ना ऐसा नहीं हुआ था, तो आते थे थोड़ा सा हटा उठा के चले जाते थे। अच्छा, आपको पता है कि कल वीडियोग्राफी हुई पहले यहाँ? सुबह के टाइम में सारा वीडियो बना के गए पूरा नीचे तक, आपको पता नहीं चला? पूरी गाड़ी आई कैमरा से, पता नहीं चला आपको? यहाँ पर पहले क्या हुआ, वीडियोग्राफी हुई आपकी दुकान की, मतलब ताकि आप बोल नहीं सके कि हमने ये नहीं किया, पूरा आपका वीडियो बनाया गया यहाँ, यहाँ से नीचे तक कि आपका मतलब क्या है क्या नहीं है, उसके बाद फिर वहाँ दिखा के फिर कार्रवाई करी, ऐसा हुआ। तो आपको आपने पता तो करना चाहिए यहाँ से बना रहे हैं क्या कर रहे हैं करके ना, कोई भी आ रहा जा रहा है तो आप सचेत बार बार कर देते हैं। अच्छा, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? मिस्किन खान। तो ये सामान अभी वहीं ले जाओगे या वो करोगे? या किसी की दुकान में रख देते हैं। अच्छा अच्छा, भाड़ा देते होगे उसका? ऐसे ही रख लेते हैं सब। तो काम धाम कैसा हो रहा है आजकल? तो ऐसे ही हुआ, तो गाइस यार इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि यहां पर ना अंडर जोन होने के बाद भी इतनी दुकानें तोड़ दिए हैं, बहुत नुकसान हो गया है। आदमी कमाने के लिए ही आता है और दो बार दुकानें तोड़ दी है, पहले बोल नोटिस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सामान हटाने के लिए भी नहीं बोला, तुरंत आए और जैसे भी चला दिया। तो कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर भी दुकान थी इनकी और यहाँ को भी था, नीचे को भी। अभी इनका सिर्फ एक काउंटर बचा है, इस तरीके से काउंटर था ये, यही काउंटर बचा है। इन्होंने ना कैसे जैसे तैसे करके ना इसको खींच के इधर उधर ले गए, तब जाके बचा। और यहाँ पर ना पूरा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है, नीचे तक देख सकते हैं आप, यहाँ पर गाड़ियों का काम होता है और सब लाइन है ये, और यहाँ पर ना भारी काम होता है। अब वंडर जोन दिया गया है काम करने के लिए, तो ये लोग कहाँ काम करेंगे, बाहरी काम करेंगे ना, दुकान के अंदर तो कर नहीं सकते, छोटी सी दुकान है अपनी, रोटी रोटी तो सभी चलाएगा, सभी काम करेंगे। और यहाँ पर भी बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, सब अपना रोज़गार कर रहे हैं छोटा मोटा जैसा भी है। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि यहाँ पर ना आप अतिक्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ इनके ना काफ़ी पीछे एक ठिया टाइप का था, दुकान तो नहीं थी पक्की, खाली एक ठिया करके उनका थोड़ा बहुत सामान रहता था, काफ़ी पीछे रहता था सामान, फुटपाथ के पीछे रहता था। और यहाँ पर एंडिंग भी है, यहाँ पर चलने का ऐसा कुछ था नहीं। तो कल जेसीबी आई और जेसीबी ने ना पूरा ही सामान ध्वस्त कर दिया, और बड़े दुख हो रहा है मेरे को ऐसा सुन के। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार ना अगर यहाँ पर इनका सामान बाहर पाया गया, जिसकी पक्की दुकान है, कोर्ट चलान भी हुए यहाँ पर, और जिसकी पक्की दुकान है ना उसको ना अगर बाहर काम करते हुए पाया गया ऐसा कुछ फुटपाथ में नीचे करते होगा, तो सख्त हिदायत दे दी है निगम द्वारा कि आपका दुकान जो है ना सीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पब्लिक का चलने का तो ऐसा कुछ नहीं, फुटपाथ तो खाली है और ऊपर को भी खाली है, यहीं पर कोने में ही दुकान था, तो नीचे को कोर्ट चलान करे। और ये नहर है आप देख सकते हैं, नहर के पीछे ना वन विभाग की ज़मीन है, ये नहर है कुछ इस तरीके से, यहाँ को तो नहर खुली है नीचे को, वहाँ पर ना पहले से ये था नहर कबर था, वहाँ पर पुल बनाया हुआ था। तो यहाँ पर ये लोगों ने कैसे भी टायर है ना पीछे छुपाए, नए टायर भी बेचते हैं, टायर का काम करते, तो कैसे भी इन्होंने छुपाए, कैसे भी जितना हो सकता था इन्होंने सामान को ना फटाफट किया, बाकी सामान ये कह रहे हैं कि हमने कबाड़ में बेच दिया है। तो अभी ये थोड़ा मोड़ा काम कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से कहाँ जाएंगे कह रहे हैं, और आधा सामान इन्होंने बेच दिया कबाड़ में, तो कुछ इस तरीके से था। तो गाइस अभी वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि आप बताइए कमेंट में क्या होना चाहिए, क्यों मतलब इन लोगों के साथ ऐसा, यही लोग नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कल यहाँ पर बहुत धरना प्रदर्शन भी हुआ, काफ़ी रोज़ भी प्रकट किया, काफ़ी मीडिया वाले भी आए थे और लोग भी आए थे, कह रहे थे कि मतलब इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा था, कल शाम 4 बजे के करीब ये यहाँ पर घटना हुई। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे नए ब्लॉग में, बने रहे आप मेरे चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय।